का चाचा गाना सुने? अरे गाना सुनिए, ये भाजपा के नेता है, चुनाव लड़े थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ। हाँ हाँ हाँ, ये गाना गाए हैं। हाँ? यादव जी हैं, सुनिए। हाँ? गाना गाए हैं कि अब यूपी में भी लड़ी हो ओवैसी तो भैंसी चरी हो। बस समाजवादी पार्टी के नेता पर तंज कस रहे हैं, मतलब यूपी में ओवैसी चुनाव लड़ेंगे, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा, ये कहना है गाने के माध्यम से बीजेपी के नेता का। वो भी यादव जात के, भैंस चर रही हूँ, मतलब जातिवादी टिप्पणी कर रहे हैं। लगता है कि ओवैसी और बीजेपी एक साथ हैं, मतलब मिले नहीं, 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 कभी नहीं हो सकता है। बहुत से लोग, बहुत सा मीडिया ये कह रहा है कि ओवैसी बीजेपी का दलाल है। ओवैसी बीजेपी का दलाल है, अब बीजेपी का आदमी है, बीजेपी उसको खड़ा किया है वोट काटने के लिए, वोट कटुआ है, वोट कटुआ ओवैसी साहब, मतलब मीडिया बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, वोट कटुआ पार्टी है और उसका दलाल है बीजेपी का। हाँ। हम नहीं बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि कहीं भी असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मामला में अगर आवाज उठाने वाला है तो ओवैसी है। कोई भी गरीब जाति, पिछड़ा जाति, आदिवासी या मुस्लिम का कोई भी बात उठाने वाला वाहिद बंदा वो अकेला है हिंदुस्तान के अंदर में, और बीजेपी का वो दोस्त नहीं हो सकता है। ओवैसी, अरे बीजेपी तो जब चाहेगा तो उसको मतलब चांस मिलेगा तो मरवा भी देगा। इसको ओवैसी को बीजेपी मरवा दे उसको मौका मिलने से, ओवैसी जी को। हाँ तो और क्या, इतना दुश्मनी है क्या? वो तो जब बोलता है तो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। हाँ। अरे कोई अगर हमको हर टाइम में गाली देगा, खराब बोलेगा, तो हम तो उसका दुश्मन होंगे कि दोस्त होंगे? ना इससे होता है चाचा कि तुम मियाँ मियाँ करो, हम हिंदू हिंदू करेंगे, मियाँ मियाँ साइड जाएगा, हिंदू हिंदू साइड जाएगा, हिंदू का बात जी ज्यादा है तो हम जीत जाएंगे। तुम्हारा जहाँ हैदराबाद में है मियाँ मियाँ, वहाँ तुम जीत जाओ, पूरा देश में हम जीत जाएंगे। तो ये चक्कर, ये बात जो आइडिया लगा रहा है मीडिया वाला, सही लगा रहा है आइडिया। लेकिन अभी जो पोजिशन आ गया है वो ये पोजिशन जरूरी है कि गरीब का आवाज या मुसलमानों का आवाज असेंबली में भी नहीं और पार्लियामेंट में भी नहीं कोई नहीं उठाने वाला है। असदुद्दीन अवैसी उठाने वाला है, और असदुद्दीन अवैसी का पार्टी AIMIM, हाँ वो बढ़ेगा धीरे धीरे, घटेगा नहीं। ऐसे बंगाल में उसका पोजीशन कुछ नहीं है। आपके जैसे लोग रहेंगे तब तो सिटवा आइए जाएगा। नहीं, यहाँ कोई पोजीशन नहीं है, कहाँ बढ़ेगा चुनाव, यहाँ पूरा हिंदुस्तान। अभी देखिए बिहार में, सुनिए ना, अभी तो अमित शाह और मोदी का गढ़ है ना यहाँ गुजरात में वो ले आया है, कितना सीट, 12 सीट ले आया है ना इसमें काउंसलर में, समझे? तो गुजरात में वो जीत सकता है मोदी के घर में जाके, तो दूसरा जगह नहीं जीतेगा। वो वैसे गुजरात में 12 सीट लाया है, जीता है। हाँ। मिनिस्टरी तो बीजेपी का बना है, लेकिन बुनियाद तो गाड़ा ना। अरे 2 सीट भी लाता, बीजेपी पहले हिंदुस्तान में कितना था? 2 ही सीट ने था बीजेपी का, अटल अडवाणी। हाँ, तो आज इतना सीट आ गया, तो वैसी तो सब बच्चा बड़ा होता है ना, बच्चा से ना बड़ा होता है कोई भी पार्टी है, एक ना एक दिन वो भी बड़ा होगा, वैसी जी जरूर होगा। लेकिन बंगाल में उसका कोई जनाधार कुछ नहीं है। कोकरो लगता था कि गुजरात में जनाधार है, रिजल्ट से पहले आपको लग रहा था? नहीं, रिजल्ट से पहले तो नहीं लग रहा था। यहाँ मामला एक तो दूसरा आ गया है, वही जानना चाहिए। यहाँ मामला आ गया जो अब्बास सिद्दीकी है। हाँ, सही पॉइंट धरा है। अब्बास सिद्दीकी के साथ अलायंस होने वाला था। हाँ, अब बोले भी थे कि हमारी
पार्टी की तरफ से चेहरा होंगे अब्बास सिद्दीकी। ओवैसी बोले थे, वो बोला था कि आप जैसे हमको बोलिएगा हम वैसे चलेंगे। समझे, ओवैसी साहब बोले थे कि आप जैसे बोलिएगा वैसे हम चलेंगे, मतलब आपके कंधा पर हम हाथ रख के बंदूक चलाएंगे, चलेंगे। हाँ, बंदूकें नहीं चलता, कंधा में हाथ रख के भी चलता है। अच्छा, चलता लेकिन यह मामला गड़बड़ा गया। सीपीएम का कांग्रेस मिलके ले, कांग्रेस मिलके उसको कैप्चर कर लिया। कैसे कैप्चर हो गए, जब वो अब्बास की सेटिंग थी ओवैसी के साथ, तो गड़बड़ाया कैसे सेटिंग? देखिए, सियासी मामला में ना कोई कोई का दुश्मन नहीं होता, कोई कोई का दोस्त नहीं होता। समझे, कट्टर दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। अच्छा, कहीं एक कट्टर दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जानना चाहेंगे, यहाँ भाषा वाला मामला तो बंगाली बंगाली का मामला तो नहीं, हैदराबादी है, तीनों बंगला 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 बंगला, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ आदमी पहले, बहुत पहले यहाँ ये सब चीज फीलिंग था। समझे, इधर 20-30 साल में ना कोई ऐसा फीलिंग नहीं है, नहीं है। हाँ, अच्छा, अब्बास सिद्दीकी का कितना असर होगा? अब्बास सिद्दीकी का तो असर, जैसे उसके साथ रहता तो बहुत भारी असर होता है। ओवैसी अब्बास साथ में रहते तो बहुत भारी फायदा होता है। किसको? उसी को, अब्बास सिद्दीकी को, असदुद्दीन ओवैसी, दोनों को। हाँ हाँ, उधर पूरा मुस्लिम इलाका में निकाल लेते, निकाल लेता। इसलिए ना उसका कम से कम 50 लाख आदमी ये है, फॉलोवर, उसको क्या बोलते हैं, मुरीदान, फुरफुरा शरीफ में। हाँ, बंगाल में 50 लाख आदमी है, पूरे बंगाल में। और हम लोग में ना पीर मुर्शिद को बहुत मानते हैं हम लोग। पीर मुर्शिद अगर कह देगा कि तुम लोग उधर ही चले जाओ तो उधर चले जाएंगे। पीर मुर्शिद कुछ बोलते हो मान लीजिएगा, आप पीर मुर्शिद बोल देगा इधर चले जाओ तो आदमी इधर ही चले। देखिए, ये सही है चाचा, सुनिए, पीर मुर्शिद का वही है, लोकतंत्र में ये सही है, लोकतंत्र में तो हक है, अधिकार है। फिर आप में और बीजेपी में क्या फर्क है? धर्म के नाम पर आपके कहने, आपके धर्म गुरु कहते हैं कि उधर चल जाओ तो उधर चल गए, तब भाजपा आरएसएस वाला भी कहता है कि इधर चल जाओ तो उधर चल जाता है, तो दोनों तो एक जैसा है फिर। अच्छा सुनो, मान लो दोनों एक के जैसा है, लेकिन वही काम तो बीजेपी या भाजपा करती है हिंदू हिंदू करके, तो उस पर तो कोई तलवार गर्दन में नहीं उठाता है। आपको भी कहां गर्दन में, तो ये गलत नहीं? नहीं नहीं, देखिए बहुत है गलत। इधर अगर मुसलमान, कोई मुसलमान का पार्टी बनाता है तो उसको बता दिया जाता कॉमनल। हाँ, और वही काम 200 पार्टी है, हिंदू हिंदू करके 200 पार्टी है, सबका नाम हम नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन उसको कॉमनल नहीं मानता है, सेकुलर हो जाता है, सेकुलर का देशभक्त मानता है। यहाँ जैसे कि अगर 15-20 दिन भी आप ठीक सही जगह में कैंडिडेट देंगे या सही एरिया में देंगे, जहाँ पर उनको चाहने मानने वाला है, वो तो इतना दिन सर्वे किया उसी को पता होगा। हाँ, हम तो कलकत्ता में ही रहते हैं, एक तो कोना में, तो सी एरिया में, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन अब उस सर्वे किए होंगे, लेकिन अगर वो ऐसा हुआ कि उनका जो भाषण है, जो तकरीर है, जो एकदम सीधा मुंह से बोली जो निकलता है ना, एकदम दिल में घुस जाता है। समझे, एकदम दिल में घुस जाता है। तो अगर वो धुआंधार कर देंगे ना, तो कुछ ना कुछ ले ही आवेंगे, कुछ ना कुछ में कह गो। हाँ, जैसे बिहार में 5 गो, बंगाल में कह गो, अभी तो अंदाजे नहीं, इसलिए कि कहाँ खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे, मोटा मोटी कह गो। समझे, अभी बोलना बहुत सस्पेंस वाले बात है, कुछ ना कुछ। चलिए, खान चाचा कहना है, पूरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम हाजी मोहम्मद सिराज खान। तो खान चाचा का कहना है कि कुछ ना कुछ तो ओवैसी जी लेके आइए जाएंगे। ओवैसी जी सही नेता है, बीजेपी के एजेंट है कि नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। अभी तो अमित शाह से पूछा गया कि ओवैसी तो आपका आदमी है। हाँ,
बताइए, मीडिया वाला पूछ रहा था, तो टीवी क्या बोल देंगे कि हाँ खबर, बोले आप लोग सोच सकते हैं कि मेरा दोस्त हो सकता है और उससे हमारा कभी मेल होगा। चलिए तो निरहुआ जो गाना गाए हैं कि अब यूपी में भी लड़ी हूँ वैसी चचा भैंसियों चढ़ी हूँ, तो उनसे इनका कहना है चचा खान चचा का कि बीजेपी और वैसी साथ में नहीं है, ये जो गाना गाए हैं और जानबूझ के वैसी को कमजोर कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो बदनाम कर रहे, बदनाम वैसी को भी कर रहा, दूसरा आदमी को अपना धमकी भी दे रहा, दोनों बात हुआ ना। एक चीज और है, अपने जादव हैं लेकिन जातिवादी टिप्पणी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी पर कि भैंस चराई, मतलब जादव है तो भैंसिये चराएंगे। अरे तो वो तो गाना गाने के लिए वैसा लिख के उसको मिला है, पैसा मिला है नेतवो ने भाजपा के। अरे चुनाव लड़े थे लोकसभा का। हाँ तो नेता है तो ठीक है, अब लगा रहना, तो एंटी पार्टी है तो उस पर तीर नहीं चलाएगा। हाँ के माध्यम से तीर चला रहा है। हाँ लेकिन बतिया सही है कि नहीं, वैसी है भाजपा एक है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं एक है। चलिए खान चचा को लगता है कि एक नहीं है, गाना बेकार है, मतलब गाना सुनिए मजा लीजिए लेकिन बात में सच्चाई। गाना सुनिए मजा, गाना सुन के मजा लेने की चीज है, लेकिन ऐसा कोई उसमें, लेकिन भैंसिया चला वाला बोले गड़बड़, वो हकीकत नहीं है कुछ। चलिए तो आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जोड़ दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कितने कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए और फेसबुक वीडियो देखना, वीडियो पसंद शेयर कीजिए और पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।